तो भाई कितनी सच्चाई है इस बात में कि विराट कोहली जो है वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद अपनी कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं और सुनील गावस्कर जो है उनका 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट छिन सकता है उनसे। क्या है बात ये पूरी और भी तमाम खबरें क्रिकेट से रिलेटेड जो फटाफट से इस वीडियो में हम कवर करते हैं। वेलकम टू माई चैनल को स्पॉन्सर्ड बाय अमित शर्मा स्केचेस। यहाँ ये बेसिकली एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे जाकर आप अपने फेवरेट पिक्चर का हैंडमेड स्केच ऑर्डर कर सकते हैं। स्केच बनके, रियलिस्टिक स्केच बनके आपके घर पे डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा। इस इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और वहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बड़े ही रीजनेबल रेट्स में आपका स्केच बन जाएगा। पिछली वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है रेक्स टेक ने, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस रेक्स टेक भाई साहब। आपका कमेंट मैंने हमेशा की तरह पिन कर दिया है क्योंकि सही जवाब जो भी बंदा सबसे पहले देता है मैं उसका जवाब कमेंट उसका पिन कर देता हूं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और इस वीडियो का जो सवाल है वो फटाफट से सुन लीजिए आप। जो भी टीम बैटिंग कर रही होती है उनके बैट से निकले हुए रन्स के अलावा जो भी रन्स वो स्कोर करते हैं, जो भी रन्स उनको मिल जाते हैं दूसरी टीम की तरफ से, वो रन्स क्या कहलाते हैं, कौन से रन्स कहलाते हैं? फटाफट से अपना कमेंट जो है वो डाल दो भाई साहब। पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, फिर आपको कमेंट करना है। सही कमेंट पिन करूंगा और अगले वीडियो में आपके बारे में बात करेंगे। सबको जवाब देना है क्योंकि जो भी सही जवाब देगा उन सब के बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में। वीडियो का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। अगली खबर, श्रीलंका के कुशल परेरा जो प्लेयर हैं वो T20 वर्ल्ड कप हो सकता है मिस कर दें क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। और वो ऑफकोर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते एक इंसान ढंग से चल नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं सकता और इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और अगली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं महाराष्ट्र के जितेंद्र अवहद, उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर को लेके वो नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्लॉट दिया था आज से लगभग 30 साल पहले, लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का, जो बेसिकली उन्होंने सुनील गावस्कर को खुश होके दिया था, बेसिकली लीज पे दिया था। वो इसलिए दिया था कि क्योंकि सुनील गावस्कर उस पर एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे और वो आने वाला जो फ्यूचर है, जो प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे कोचिंग देंगे। लेकिन सुनील गावस्कर ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि 30 साल बीत चुके हैं, अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर सुनील गावस्कर नहीं होते, क्योंकि मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर सुनील गावस्कर नहीं होते तो वो पर्टिकुलर प्लॉट जो है मैंने कब का ले लिया होता। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब भी वो कभी आउट हो जाया करते थे किसी मैच में जल्दी, तो मेरा रोना तक निकल जाया करता था। मैं इतना बड़ा फ़ैन था। इसी वजह से आज तक मैंने कभी सुनील गावस्कर से वो प्लॉट वापस लेने की बात नहीं सोची, मतलब नहीं करी। उनकी जगह अगर कोई भी होता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अजीब और काफ़ी ही मतलब यूनिक सी चीज़ निकल गई। अगली स्टोरी, न्यूजीलैंड के प्लेयर टॉम ब्लिंडल जो है वो आने वाले जो ODIs हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट उसमें नहीं खेलेंगे। उनकी जगह डेरिल मिशेल उनको रिप्लेस करेंगे इस आने वाली पाकिस्तान की सीरीज में। अगली स्टोरी, शार्दुल ठाकुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, एक बातचीत में उन्होंने रिवील किया कि मेरी जो इंजरी हुई थी उसके चलते मैं टीम से कुछ टाइम बाहर भी था, और क्योंकि मैं एक ऑलराउंडर रहा हूँ लेकिन मैं मेनली एक बॉलिंग ऑलराउंडर रहा हूँ, तो तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी बैटिंग पे भी काम करना चाहिए क्योंकि बॉलिंग मैं उतनी इफेक्टिवली कर नहीं पा रहा था, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी करी। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और महेंद्र सिंह धोनी से भी मैंने टिप्स लिए। उन्होंने मेरे को बताया कि बैट की क्या सही ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि मैं बैट थोड़ा सा ऊपर से पकड़ता था। एक बार मैं CSK का, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि CSK के ड्रेसिंग रूम में मैं एक बार महेंद्र सिंह धोनी का बैट लेके थोड़ा शेडो प्रैक्टिस कर रहा था। तब महेंद्र सिंह धोनी ने आके मेरी ग्रिप को करेक्ट करा। उन्होंने कहा कि तुम बैट जो है वो काफ़ी ऊपर से पकड़ते हो, यानी ग्रिप जो है काफ़ी ऊपर से पकड़ते हो, तुम्हें थोड़ा सा नीचे से पकड़ना चाहिए। और उन्होंने प्रॉपर एक ग्रिप बताई जिसके चलते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। अगली स्टोरी, ग्लेन मैक्सवेल ने तो भाई साहब क्लियर कर दिया है कि हम ये वाला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी टीम में बहुत ज़्यादा मैच विनर्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मैच विनर्स हैं, और हमारी टीम में अगर एक से दो प्लेयर्स भी अपनी फॉर्म में अगर खेल गए तो हमको हराना, हमको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या कहना है? ये थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट बात नहीं लग रही जो मैं मैक्सवेल ने बोली है? कमेंट करके बताओ मेरे को आपका क्या सोचना है इस बारे में। अगली स्टोरी, सुनील गावस्कर ने बोला है कि रवि अश्विन का जो सिलेक्शन हुआ है ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो बेसिकली उनको कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है। जो उनको किस चीज़ का कॉन्सोलेशन प्राइज? जो उनको इंग्लैंड के साथ जो टूर था उसमें नहीं खिलाया गया था उसका कॉन्सोलेशन प्राइज। उन्होंने कहा कि स्क्वाड में तो अश्विन है लेकिन ऐसा ही क्या गारंटी है कि वो
जो आने वाले मैचेस होंगे उसके प्लेइंग इलेवन में भी होंगे। उन्होंने कहा कि देखना होगा कि क्या इंडिया उनको प्लेइंग इलेवन में खिलाता भी है या नहीं, क्योंकि लास्ट T20 उन्होंने 2017 के टाइम में खेला था। 2017 से लेकर आज तक, यू नो, इट्स बीन मोर देन 4 ईयर्स, तब से रविचंद्रन अश्विन ने भी T20 मैच नहीं खेले और वर्ल्ड कप सीधा, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। उनको लग रहा है और मेरे को भी लग रहा है पर्सनली कि शायद रवि अश्विन प्लेइंग इलेवन में शायद ना ही खेले। अगली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं कहूँगा आज के दिन की सबसे बड़ी स्टोरी, कि विराट कोहली ने जो कहा है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, तो भाई मैं आपको बता दूँ, इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर भी ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं करेंगे कंटिन्यू। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया इसके बारे में, वो काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे। उन्होंने जो हमारे रवि शास्त्री जी हैं और रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श किया, डिसीजन मेकिंग करी, और उसके अलावा उन्होंने बोर्ड मेंबर्स और बोर्ड के मेन जो हैं हमारे सौरव गांगुली, उनसे भी विचार विमर्श किया, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया। और अब तो उन्होंने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये चीज़ बकायदा मेंशन कर दिया, ट्वीट कर दिया है कि अब वो कैप्टनसी छोड़ेंगे T20 में, बाकी फॉर्मेट्स में नहीं, वो टेस्ट में और वनडे में कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा T20 से मेरे को कैप्टनसी से हटके मैं थोड़ा ज़्यादा रिलीव्ड फील कर पाऊँ, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मैं तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करता आ रहा हूँ और उसका काफ़ी प्रेशर होता है, तो सिर्फ मैं T20 से हट रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा रिलीफ ज़्यादा मिल पाए और अपनी मैं बैटिंग पर ज़्यादा फोकस करूँ। अगली स्टोरी, दिलीप वेंगसरकर जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं, उन्होंने कहा कि विराट कोहली का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा एज अ कैप्टन इन T20s। तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं और विराट कोहली डिजर्व भी करते हैं कि वो आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीते इंडिया और विराट कोहली कैप्टनसी में एक ICC ट्रॉफी जुड़े। और आज के दिन की लास्ट स्टोरी, महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के 15 मेंबर के पैनल में इंक्लूड किया गया जो रिव्यू करेंगे NCC, उनके साथ और भी कई बड़े नाम हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, बिजनेस में आनंद महिंद्रा हैं, तो कई, ये एक बहुत ही बड़ी बात है महेंद्र सिंह धोनी को इंक्लूड किया गया है। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक लेफ्टिनेंट भी रहे हैं इंडियन आर्मी में, हैं बल्कि रहे नहीं हैं, हैं ऑलरेडी, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के दिन की जो मेन मेन खबरें थी क्रिकेट से रिलेटेड वो मैंने कवर करी हैं आप लोगों के लिए। एक लाइक ज़रूर बनता है, इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ग्रेट डे, बाय।